वेलकम टू माय चैनल सुप्रकाश क्लासेज। सुप्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जो अगला चैप्टर होगा वो होगा मोशन, गति। इसमें समझेंगे दोस्तों, विराम किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, विराम गति में क्या संबंध है, उसके बाद गति को परिभाषित कैसे किया जाता है, इसके बाद दोस्तों गति के प्रकार, इतना सभी डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं विराम किसे कहते हैं। विराम जिसे क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले, चेंज ना करे। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, 2 सेकंड बाद भी यहीं खड़ा हूँ, इसका मतलब है समय तो बदल गया पर मैं अपनी स्थिति नहीं बदला हूँ, एक ही क्या हूँ, स्थान पर खड़ा हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। तो आइए, जब वस्तु समय के साथ क्या करे, अपनी स्थिति न बदले। तो उसे क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति न बदले तो उसे क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। अब आइए देखते हैं मोशन, गति किसे कहते हैं। गति जिसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति क्या करे, चेंज कर दे, बदल दे, तो उसे क्या कहते हैं, मोशन, गति कहते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, 2 सेकंड बाद मैं यहाँ खड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, मैंने अपनी जो है स्थिति चेंज कर दी, तब उसे दोस्तों क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। आइए इसकी भी डिफिनेशन देख लेते हैं। जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति चेंज कर दे, बदल दे, तब उसे क्या कहते हैं, मोशन, गति कहते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं मोशन गति में संबंध क्या है। देखते हैं, मान लो जैसे यहाँ एक क्या है, ट्रेन है, यहाँ ट्रेन है और ये चल रही है, तो इसमें क्या है, 2 यात्री बैठे हुए हैं, एक यात्री यहाँ हो गया। ये क्या है, आमने सामने की सीट पर बैठे हैं, और मान लो एक व्यक्ति यहाँ हो गया। अब देखते हैं, मान लो इसको हम कोई नाम दे देते हैं, मान लो ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, और ये आप हो गए, मान लो, या हम हो गए। इसको समझेंगे कैसे, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन मान लो चल रही है, तो जो ये श्याम है, ये राम के सामने बैठा है, तो क्या है, ये दोनों रेस्ट में हैं, आमने सामने अपनी स्थिति चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, रेस्ट में हैं, ये दोनों विराम में हैं। पर ये व्यक्ति जो बाहर बैठा है, ट्रेन तो चल रही है, तो ये व्यक्ति क्या है,
मोशन में रहेगा, तो ये व्यक्ति बाहर, ये ट्रेन के अंदर नहीं है, ये बाहर है। जब ये ट्रेन चलती रहेगी तो ये व्यक्ति मोशन में दिखेगा। मोशन या गति यहां लिख देते हैं, मोशन या गति, तो ये व्यक्ति क्या होगा, मोशन गति में दिखेगा। एक बार आइए फिर से समझते हैं। जैसे मान लो आप दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक साइकिल है, हम चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो एक समय बाद क्या होगा, साइकिल रुक जाएगी, गति क्या होगा, गति में नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसके विरुद्ध क्या हो रहा है, घर्षण बल कार्य कर रहा है। मान लो जैसे ये साइकिल है और एक आदमी क्या है, चला रहा है, एक आदमी रोड पर चला रहा है, तो यह क्या होगा, पैडल मारना छोड़ देगा तो कुछ देर बाद रुक जाएगी, गति की अवस्था में नहीं रहेगी। जैसे मान लो एक बाल हो गया, बाल को आप फेंकेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, बाल रुक जाएगा, वह गति में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको विरुद्ध घर्षण बल कार्य कर रहा है और वो क्या करेगा, बाल को रोक देगा। तब दोस्तों विराम हो गया, गति हो गया, तो ये दो डिफिनेशन देख लिए, आप इसे नोट कर लीजिए, इसे इरेज करके अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इसे क्या कहते हैं, संदर्भ बिंदु। तब आइए इसमें दोस्तों गति को परिभाषित करते हैं, कैसे गति को परिभाषित किया जाता है ये देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मान लो आपको किसी व्यक्ति को बताना हुआ कि हमारा घर कहाँ पर है, किस स्थान पर है, किस बिंदु पर है, तब आप कैसे उसको बताएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, संदर्भ बिंदु लेंगे। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को अपना घर बताना हुआ तो ऐसे नहीं बता सकते, नहीं उसको पता नहीं रहेगा कि आपका घर कहाँ है। तो आप क्या करेंगे, मान लो एक हमने रेफरेंस संदर्भ बिंदु ले लिया, मान लो ये ताजमहल हो गया, ताजमहल, ताजमहल आगरा में है और इसने किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, तो किसके, अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में बनवाया था। तो आइए देखते हैं, ये ताजमहल हो गया। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, मान लो आपको बताना हुआ ताजमहल, जैसे आप लोग एग्जाम में पेपर दे देने जाते हैं तो आपको क्या लिखा रहता है, मान लो जैसे कि जो दिल्ली स्टेशन है उसके 1 किलोमीटर दूर है, तो ये क्या हुआ, जब आपको किसी मतलब पॉइंट दिया रहेगा, आपको यहाँ जाना है, उसके बाद आप तो वहाँ ढूंढ ही लेंगे। मान लो जैसे ताजमहल हो गया और ये मेरा घर हो गया, ताजमहल से मान लो मेरा घर कुछ दूर पर है, मतलब मान लो यहाँ 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर आपको क्या करना होगा, जब आप ताजमहल जाएंगे आगरा में जो है, तो आप इससे 2 किलोमीटर ढूंढ लेंगे, नहीं ऐसे डायरेक्ट तो आप नहीं जा सकते, कहाँ बताएंगे आप मेरा घर कहाँ है। मतलब कि आपको क्या करना है, एक पॉइंट आपको संदर्भ बिंदु रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, ताकि आपको घर को लोकेट करने के लिए सही मतलब वो आसानी से मिल सके। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। आप देखते हैं गति के प्रकार, गति कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि बड़ा है, इतने में नहीं आएगा। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्या गति के प्रकार, गति कितने प्रकार का होता है। तो हम इसमें देखेंगे एक आवधिक गति हो गया जिसे पीरियाडिक मोशन कहते हैं, आवधिक गति। एक क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, एक वक्रता गति हो गया, उसके बाद दोलनशील
गति हो गया, सर्कुलेटरी गति हो गया और ट्रांसलेटरी गति हो गया। ट्रांसलेटरी मीन्स अनुनाद गति कहते हैं दोस्तों। तब इसके बारे में हम जो मेन मेन है उसी को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार एक आवधिक गति हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, वक्रता गति हो गया, दोलनशील गति हो गया, इसके बाद सर्कुलेटरी गति हो गया, इसके बाद ट्रांसलेटरी गति हो गया। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों ट्रांसलेटरी गति, यह इंपॉर्टेंट है, यह कितने प्रकार का होता है? तो यह दो प्रकार का होता है। यह दोस्तों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? रेक्टिलिनियर लीनियर ट्रांसलेटरी गति, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब सरल क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, सरल रेखीय गति। और दूसरा जो हो गया दोस्तों, ये हो गया कर्वी लीनियर, कर्वी लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बारे में पहले समझेंगे दोस्तों, ये क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब सरल रेखीय गति। मान लो, जैसे मान लो ये रोड हो गया, रोड पे ये कार है, क्या है? कार है, रोड पे ये कार है, ये क्या कर रहा है? सीधे गति कर रहा है। मतलब ये जो क्या होता है, सीधी रोड है और सीधे यह गति करेगा, इसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं, मतलब साधा रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। इसका मतलब हो गया सीधे गति कर रहा है। और देखते हैं कर्वी लीनियर ट्रांसलेटरी गति, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? कर मतलब क्या हो गया? कर्वी लीनियर में घुमावदार, जो घुमावदार होता है, जैसे मान लो ये रोड हो गया इस तरह, ऐसे घुमावदार, तो इसे क्या कहते हैं? ये क्या हो गया? कार हो गया। तब क्या है दोस्तों? ये कर्व करके जा रहे, घुमावदार रोड है, तो इसे क्या कहेंगे? कर्वी लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन, और इसे क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब ये हो गया सीधे रेखीय गति, सीधे रेखा में गति कर रहा, और ये कर्व रेखा में गति कर रहा, मतलब घुमावदार रेखा में गति कर रहा है। तो ये हो गया ट्रांस लेटरी गति, या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों आवधिक गति, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब देख लेते हैं एग्जांपल से। ये मान लो क्या हो गया? सूर्य हो गया। मान लो दोस्तों सूर्य हो गया, और यहां पर क्या है? पृथ्वी है। तो क्या होता है दोस्तों? सूर्य इसके चारों ओर क्या करता है? जितने भी ग्रह हैं सभी चक्कर लगाते हैं, और सूर्य एक मुख्य फोकस बिंदु पर क्या होता है? स्थित होता है। जितने भी ग्रह हैं, कुल आठ ग्रह हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। आठ ग्रह हम देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें हम देख लेंगे पहले आंतरिक ग्रह, उसके बाद बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह हो गया बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह। ये क्या है? सूर्य के नजदीक वाले ग्रह हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों बाह्य ग्रह, पूछा जाता है, मतलब सूर्य के आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं और सूर्य के बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। तो आंतरिक ग्रह ये चार हो गया जो अभी बताया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद बाह्य ग्रह देखेंगे कौन कौन से ग्रह हैं, बृहस्पति हो गया, वरुण हो गया, शनि हो गया, और क्या हो गया? बृहस्पति वरुण शनि, एक ग्रह और है दोस्तों, लिख के देख लेते हैं। बृहस्पति हो गया, उसके बाद शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये चार ग्रह कौन से हैं? बाह्य ग्रह हैं। क्या हो गया दोस्तों? इसे जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में, जुपिटर हो गया,
शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ये चार ग्रह बाह्य ग्रह है और आंतरिक बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चार क्या है आंतरिक ग्रह है। तो क्या होता है दोस्तों, सभी ग्रह इसके चारों ओर दीर्घवृत्ति कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आवधिक गति कहते हैं। आप देख लेते हैं दोलनशील गति, दोलन गति ये कैसे हो गया दोस्तों, मान लो ये क्या है यहाँ पर दोस्तों, मान लो एक कुछ गोल बांध दिया गया है, तो दोलन गति कैसे होता है देख लेते हैं क्या होगा। एक दोलन गति देखेंगे कैसे होगा, मान लो यहाँ से चलकर यहाँ और फिर जब यहाँ आकर पहुँचता है तो एक दोलन गति होता है। तो ये कैसे मोशन होता है इसका दोस्तों, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा तब यहाँ आकर पहुँचेगा तब एक दोलन गति होगा, इसे दोस्तों सरल पेंडुलम गति कहते हैं। तब दोस्तों इसमें जो मेन था हमने देख लिया, आवधिक गति हो गया, ट्रांसलेटरी गति हो गया, दो प्रकार के होते हैं, उसके बाद दोलन गति हो गया। तो यह क्या है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग दोस्तों इसे नोट कर लिए, मैं वीडियो का अंत यहीं पर करूँगा। अब इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा दूरी विस्थापन, दूरी विस्थापन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इसके बाद वीडियो वही आएगा। तब दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पर अंत करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स।